हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट आपको दुर्गेश सर बताएंगे कैसे कैसे आपको बनाना है। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो विंडो बनाई है मैंने टीके एंटर की हेल्प से बनाई है, और यहाँ पे मैंने एक लेबल यूज़ किया। आप भी कोई लेबल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिस्ट बॉक्स यूज़ किया है जहाँ पे हम मैसेजेस दिखाएंगे, और यहाँ पे एक एंट्री है, टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे हम लोग टाइप कर पाएंगे मैसेजेस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय और क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है हाय, बॉट ने लिखा हेलो। फिर मैं इससे और कुछ भी कमांड देता हूँ, देखते हैं क्या वर्क करता है। तो मैंने इस बार लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, और मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये यह कहेगा माय नेम इज़ शिवांगी। इससे और भी कुछ पूछते हैं, तो यहाँ मैंने पूछा इससे इन विच सिटी यू लिव, तो ये कह रहा है आई लिव इन लखनऊ। उसके बाद और भी कुछ इससे पूछते हैं, तो मैंने लिखा विच लैंग्वेजेस डू यू नो, तो यहां पे कह रहा है आई एम ग्रेट। जरा मैं क्वेश्चन बदलता हूं, इन विच लैंग्वेज यू स्पीक, और मैं आस्क फ्रॉम बोर्ड करता हूं, तो ये आंसर देगा मुझे मोस्टली आई स्पीक इन इंग्लिश। तो यहां पे ऐसे बेसिकली मैंने क्या किया है, कुछ डेटा सेट, कुछ अपना चैट का सेट बना के इसको दे दिया है, और ये क्या कर रहा है उसी डेटा सेट से ये प्रिडिक्शन कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। और ये अपने हिसाब से प्रिडिक्शन करेगा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और ये चैटबॉट हम लोग बनाते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग, और हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देंगे जिससे कि सबको विजिबल हो पाए। तो हम ओपन करेंगे फाइल पे और चलेंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में हम यहाँ पे चलेंगे एडिटर में, और एडिटर में हमें मिलेगा फॉन्ट, और फॉन्ट की साइज को 20 है, इसको कर देंगे 24 और हम ओके कर देंगे, फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को रन करते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे PyCharm इस फाइल को रन कर देगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है चैटरबॉट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं चैटरबॉट। हम लोग थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन इस लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और इसका कैसे यूज़ करेंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको सर्च करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो चैटरबॉट। जो पहली लाइब्रेरी ओपन होगी वो यही लाइब्रेरी ओपन होगी, चैटरबॉट की लाइब्रेरी। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे चैटरबॉट के बारे में। यहाँ पे जो आप ऊपर ही देख सकते हो चैटरबॉट के नीचे लिखा हुआ है सब टाइटल में मशीन लर्निंग कन्वर्सेशनल डायलॉग इंजन। इसका मतलब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी की गई है वो मशीन लर्निंग पे की गई है। हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्सेशन कुछ देंगे तो, बट वो सिर्फ इस बॉट को लर्न कराने के लिए कन्वर्सेशन होंगे, और जब आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो कन्वर्सेशन की हेल्प लेगा प्रिडिक्शन को करने के लिए, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो वर्किंग होगी वो मशीन लर्निंग पे ही हो, और सारी वर्किंग मशीन लर्निंग पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि आपका क्वेश्चन ये है, आपका आंसर ये है, आपका क्वेश्चन ये है, आपका आंसर। हम इसको बहुत सारा डेटा सेट दे देंगे, और ये क्या करेगा हमारे क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर निकाल के खुद से हमें देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है क्विक स्टार्ट गाइड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और या तो हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप अगर आप जाना चाहते हो तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह कैसे करते हैं, एग्जाम्पल वगैरह, बट मैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड पे गया। हमें सबसे पहले आप एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, चैटरबॉट का मॉड्यूल, चैटरबॉट की लाइब्रेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, चले PyCharm पे चलेंगे और ये मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग PyCharm पे आएंगे अपने, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे टर्मिनल, और टर्मिनल पे सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग pip चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग चेक करने के लिए हम लिखेंगे pip
डैश डैश वर्जन, तो हमें पता चल जाएगा पिप का कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पिप चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, पिप एक ऐसा टूल है पाइथन का जिसकी हेल्प से हम लोग लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिप का वर्जन 10.0 है, दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट में पिप चल रहा है। हम क्लियर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल चैटर बॉट, जो वहाँ पे कमांड लिखा हुआ था फ्रेंड वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जिससे होगा कि हमको लाइब्रेरी मिल जाएगी और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी को यूज़ कर लेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि इंस्टॉल होता है, तब तक हम लोग फिर से उस चैटरबॉट की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। सेकेंड स्टेप, जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद आपको क्रिएट अ न्यू चैटबॉट, एक नया चैटबॉट बनाना है। और चैटबॉट बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है, ये चैटबॉट नाम की क्लास है, बस इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग वेरिएबल लेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे और ये कंस्ट्रक्टर है जो चैटबॉट का नाम पास कर देंगे, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा चैटरबॉट मॉड्यूल से चैटबॉट वाली क्लास। तो हम लोग फ्रॉम चैटरबॉट इंपोर्ट चैटबॉट क्लास कर लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट्स हमारा रेडी है चैटबॉट। अब ये जो बॉट है उसको हमें कन्वर्सेशन दे के लर्निंग कुछ करानी पड़ेगी और हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे लिस्ट ट्रेनर की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे चैटरबॉट डॉट लिस्ट ट्रेनर और यहाँ से लिस्ट ट्रेनर वाली क्लास, चैटरबॉट डॉट ट्रेनर से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे लिस्ट ट्रेनर और अपनी कन्वर्सेशन बना लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब हम यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए कुछ ही कन्वर्सेशन बनाएंगे या हम इस कन्वर्सेशन को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप रियल टाइम पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्सेशन को बिल्ड करने में, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट अपने चैटबॉट को लर्न कराना ही होगा और कराने के लिए आपको बहुत सारा डेटा इसे देना होगा, दैट मीन्स हमें बहुत सारी कन्वर्सेशन इसे देनी पड़ेगी, तभी ये उसी कन्वर्सेशन से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम कन्वर्सेशन बना लेंगे, उसके बाद हम लिस्ट ट्रेनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ट्रेनर इज इक्वल टू लिस्ट ट्रेनर और हम लोग अपने चैटबॉट का रेफरेंस इस ट्रेनर को दे देंगे, दैट मीन्स अगर हम ट्रेनर की हेल्प से कोई चीज़ ट्रेन करेंगे तो चैटबॉट का रेफरेंस है, ये चैटबॉट को ट्रेन कर देगा और हम ट्रेनर के पास एक मेथड ट्रेन ये कॉल करेंगे और अपनी कन्वर्सेशन दे देंगे। तो ये ट्रेनर क्या करेगा, हमारे चैटबॉट का जो रेफरेंस इसके पास है ये उसको ट्रेन कर देगा विद दीज कन्वर्सेशन। उसके बाद सिंपल है, अब आप क्या करोगे, चैटबॉट से कुछ भी क्वेरी कर रही होगी तो चैटबॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स कॉल करोगे और अपनी क्वेरी दे दोगे, दैट्स इट। जैसे आप चैटबॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स कॉल करोगे, अपनी क्वेरी दे दोगे, ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स दे देगा और आपको प्रिंट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको इतना ही करना था चैटबॉट बनाने के लिए। मेहनत आपको कहाँ करनी है, इस कन्वर्सेशन पे। आपको कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना है, सेट बनाना है, आपको डेटाबेस में रखना है और वो डेटाबेस का रेफरेंस आपको इस लिस्ट ट्रेनर को दे देना है, ये ट्रेन कर देगा। तो अभी मैं यहाँ छोटा सा ले लूँगा, अदरवाइज आप एसक्यूएलआईटी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हो चीज़ों को लर्न कराने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप चैटरबॉट से चैटबॉट और बनाते हैं चैटबॉट। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले, अभी तो हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड ही हो रही है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम और हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे टाइप करने की चैटरबॉट फ्रॉम चैटरबॉट इम्पोर्ट चैटबॉट और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे चैटबॉट का। तो हम लेंगे यहाँ बॉट वेरिएबल और हम बना देंगे ऑब्जेक्ट चैटबॉट और यहाँ पे एक नाम दे रहा होता है तो हम यहाँ देते हैं बॉट वन बॉट या लिख देते हैं यहाँ पे माय बॉट। तो यहाँ पे बॉट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग को दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर लिस्ट ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे चैटरबॉट डॉट ट्रेनर से इम्पोर्ट लिस्ट ट्रेनर, तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम चैटरबॉट डॉट ट्रेनर्स इम्पोर्ट लिस्ट ट्रेनर। तो लिस्ट ट्रेनर भी इम्पोर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कन्वर्सेशन बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कन्वर्सेशन यहाँ से लेके आता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया या बना लेते हैं, एक लिस्ट है कन्वर्सेशन। तो हम लिख देंगे कॉन्वो इक्वल टू और यहाँ पे लिस्ट। अब लिस्ट में हमें अपनी कन्वर्सेशन देनी है तो हम दे देंगे हेलो, फिर हम दे देंगे हाय और हम लोग और कन्वर्सेशन दे देंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसके बाद हम दे देंगे माय नेम इज बॉट कॉमा
आई एम क्रिएटेड बाय दुर्वेश कॉमा लिख देंगे आई एम दो याद देते हाउ आर यू लैंग्वेज यू टॉक और यहाँ पे लिखते हैं आई मोस्टली टॉक इन इंग्लिश। इतना कन्वर्सेशन फ्रेंड्स काफ़ी है टेस्टिंग करने के लिए। सिर्फ अगर आप कोई भी रियल टाइम से प्रोजेक्ट रियल टाइम के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट है आप यूज़ करना चाहते हैं अपने वेब प्रोजेक्ट में या फिर अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो आप अच्छे से कन्वर्सेशन बनाओगे। ये सारे कन्वर्सेशन को आप डेटाबेस में स्टोर कर दोगे। जब एक बार डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा कन्वर्सेशन, तो आप उसको फेच करोगे या फिर आप अडेप्टर यूज़ कर सकते हो। इस लाइब्रेरी में अडेप्टर की हेल्प से आप पूरा डेटाबेस दे सकते हो, वो क्या करेगा अपने आप ट्रेन कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिस्ट ट्रेनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक वेरिएबल हम लिखते हैं ट्रेनर इज इक्वल टू और ले लेंगे हम लिस्ट ट्रेनर और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना बॉट का रेफरेंस। उसके बाद हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे, मैं लिख देता हूँ गोइंग टू ट्रेन नाउ ट्रेनिंग द बॉट विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है ट्रेनर, तो हमें ट्रेनर पे एक फंक्शन कॉल करना है ट्रेन और हमें यहाँ पे दे देना है अपना कन्वो कन्वर्सेशन। दैट्स इट फ्रेंड, अपने आप क्या होगा कि ये बॉट ये जो ट्रेनर है वो आपके बॉट को, क्योंकि इस ट्रेनर के पास अपने बाप के बॉट का रेफरेंस है, तो जब ट्रेनर को हम कन्वर्सेशन दे देंगे तो ये क्या करेगा इन सारी कन्वर्सेशन को बॉट को लर्न करा देगा और लर्न करा देगा। दैट मीन्स हम बॉट से हम लोग कोई रिस्पॉन्स पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्स देने के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे बॉट डॉट गेट रेस्पॉन्स और हम यहाँ पास करते हैं वॉट इज योर नेम और ये मुझे आंसर दे देगा। तो हम आंसर के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं आंसर क्या देता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक करिए और रन पे यहाँ पे क्लिक कर दिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लर्न वर्न कराने में, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस आपको पता चलता रहेगा। यहाँ कुछ एरर आ गई, ये बता रहा नो मॉड्यूल फाउंड चैटरबॉट कॉपरस। इस मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं पिप इंस्टॉल और पेस्ट करते हैं हम लोग और एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा पिप क्या करेगा, इस वाले मॉड्यूल को भी चैटरबॉट कॉर्पस करके मॉड्यूल है उसको भी हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में लगा देगा, जिससे कि हम लोग ये जो डिपेंडेंसी है चैटरबॉट की वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ये भी इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये इंडेक्सिंग कर रहा है, इंडेक्स हो जाएगा उसके बाद आप रन करिएगा और यहाँ पे स्टेटस आपको पता चल जाएगा। अगर एरर आएगी तो एरर का स्टेटस पता चल जाएगा, अदरवाइज ये लर्न वगैरह कराएंगे तब भी परसेंटेज वगैरह यहाँ पे दिखाएगा। तो जो हमने कन्वर्सेशन दी है वो बॉट को लर्न कराएगा। अगर आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा दिखे, यहाँ पे लिस्ट ट्रेनर क्या कर रहा है ये 9% है, तो यहाँ पे अगर आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लर्न कराने में। तो यहाँ पे देखिए इसने आंसर दिया माय नेम इज बॉट आई एम क्रिएटेड बाय दुर्गेश। इसने जो मैंने क्वेरी यहाँ पे फायर की थी व्हाट इज़ योर नेम, इसने इसकी इसका आंसर हमें आंसर में दिया था। तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा करेंगे कि बार बार हम पूछ सकें इससे। तो हम यहाँ एक लगाएंगे वाइल और इसको ट्रू कर देंगे इनफाइनाइट और हम लोग यूज़र से एक मैसेज लेंगे क्वेश्चन या क्वेरी और हम इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ एंटर या ऐसे लिख दीजिए, बस फंक्शन छोड़ दीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे अगर क्वेरी इज डबल इक्वल टू एग्जिट तो हम क्या करेंगे इस लूप को ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि हम आंसर निकालेंगे और आंसर कहाँ से आएगा हम बॉट से पूछेंगे गेट रिस्पॉन्स और अपनी क्वेरी यहाँ पास कर देंगे और हम प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा बॉट कोलन और हम लोग का जो रिस्पॉन्स आया आंसर में वो प्रिंट कर दूँगा और उससे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज दूँगा, मैसेज में लिखूँगा टॉक टू बॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले ट्रेनर वगैरह सब कुछ ट्रेंड हो गया, उसके बाद हम लोग का आउटपुट आया टॉक टू बॉट और हम लोग यहाँ पे देखिए अब मैसेज स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा हाय, तो बॉट
ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ दुर्गेश फुल स्टॉप, व्हाट इज़ योर नेम, योर नेम एंटर करते हैं। तो देखिए व्हाट माई नेम इज़ व्हाट, आई एम क्रिएटेड बाय दुर्गेश, और फिर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन विच सिटी, इन विच सिटी डू या इन विच सिटी यू लिव, और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे बॉट बोलेगा आई एम आई लिव इन लखनऊ, इन विच या विच लैंग्वेजेस डू यू नो, व्हाट लैंग्वेजेस, व्हाट लैंग्वेज डू यू नो, और एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा थैंक यू, क्योंकि हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं था, तो उसने प्रेडिक्शन किया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है, ठीक है। और हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे हाउ आर यू पूछते हैं, हाउ आर यू, तो बताएगा आई एम डूइंग ग्रेट दिस डेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा ऐसा कि हम लोगों ने जो डेटा दिया है ये उसी से कुछ आपका आंसर दे रहा है, बट ऐसा नहीं, ये प्रेडिक्शन कर रहा है वहां से, सिर्फ ये उसने जो चीजों को याद किया वहीं से आपको ये आंसर दे रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे हम लोग यहाँ बहुत सारे जब कन्वर्सेशन दे देंगे तो आपका बॉट एकदम ट्रेंड हो जाएगा और आपके करेक्ट होने के आंसर्स की पॉसिबिलिटी जो होगी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बना लिया है, अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है जीवाई बेस्ड प्रोग्राम में। तो हम लोग चले स्टार्ट करते हैं और टीके एंटर की हेल्प लेते हैं इसको कन्वर्ट करने में जीवाई में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग करते हैं।